जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। न्यूज सुनने को मिल रहा है कि तालिबान से भारत सरकार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जिसकी लड़ाई सदियों से भारत की सरकार लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई की बात करते आ रहे थे। हर मीटिंग में, हर रैली में देशवासियों को ये विश्वास दिला रहे थे कि हम आतंकवादी के खात्मा करके छोड़ेंगे। पूरी दुनिया में, सभी मुल्कों में इसका संदेश गया कि नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मनसा कहीं ना कहीं जो होती है इंसान की, वो नजर आ ही जाती है। तालिबान जैसा संगठन, एक आतंकी संगठन से भारत सरकार, बीजेपी की सरकार दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने पूरी दुनिया में किस तरीके से भारत की छवि खराब करने का काम किया है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। या ये कहे कि आतंकवादियों के आगे भारत सरकार नतमस्तक हो गई है। दोस्ती का हाथ आतंकी से कौन मिलाने की बात सोच सकता है, कौन कर सकता है जो झुक जाए? तो क्या हम लोग यह समझें कि भारत सरकार आतंकवादियों के आगे झुक गई है, तालिबान के आगे झुक गई है? यदि ऐसा है तो बहुत ही शर्मनाक ये घटना है, और पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है, उस छवि को खराब करने की काम यदि किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़ी ढींगे, 56 इंच का सीना, लाल आंख करके दिखाएंगे। देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, एक लफ्ज भारत सरकार के मुख से नहीं निकला, और जो निकला तो भारत को शर्मसार करने वाली। और जितनी 135 करोड़ भारत की जनता ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार को चुना, इस सरकार ने 135 करोड़ की जनता का विश्वास तोड़ने का काम किया, ये शर्मनाक घटना है। मैं भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष के नाते, मैं धनेश्वर महतो, मैं भारत सरकार के इस फैसले की घोर निंदा करता हूं। हम आतंकवादी से लड़के मरना पसंद करेंगे, लेकिन आतंकवादियों के आगे झुकना हम पसंद नहीं करेंगे। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।